अध्यापक, बच्चों अगर तुमने शोर किया तो मैं बाहर चला जाऊंगा। एक बच्चा, सर आप यहीं बैठे रहे, हम बाहर चले जाते हैं। टीचर, बताओ बच्चों चलती बस में कब उतरना चाहिए? छात्र, सर जब अस्पताल नज़दीक आ जाए तो चलती बस में से उतर जाना चाहिए। एक छात्र ने गणित के अध्यापक से कहा, सर अंग्रेजी के अध्यापक साहब तो अंग्रेजी में बात करते हैं, आप भी गणित में बात क्यों नहीं करते? गणित अध्यापक, ज़्यादा 3-5 ना कर, फौरन 9-2-11 हो जा, नहीं तो 4-5 रख दूंगा तो छठी का दूध आ जाएगा। अध्यापक ने बच्चों से कहा, वह चोरी करता है, इस वाक्य का भविष्य काल बताओ। बच्चा, सर इसका भविष्य काल है वह जेल जाएगा। पुत्र, माँ मैं भी तालाब में तैरना चाहता हूँ। माँ, नहीं बेटा तू डूब जाएगा। पुत्र, लेकिन पिताजी तो घंटे भर से तालाब में तैर रहे हैं। माँ, बेटा तुम्हारे पापा का बीमा हो चुका है। बच्चा, क्या आपके पास खटमल मारने की दवा है? दुकानदार, हाँ है। बच्चा, तब ठीक है, मैं घर से सारे खटमल लेकर अभी आता हूँ। राजू ने भिखारी से कहा, लो 10 पैसे कुछ खा लेना। भिखारी, रहने दो बेटा, मैं लंच टाइम में भीख नहीं मांगता। सुनील भिखारी से, भीख मांगते शर्म नहीं आती? मेरे साथ चलो, 10 रुपये दूंगा। भिखारी, हजूर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको 20 रुपया दूंगा। खरगोश शेर से बोला, चलो मेरे साथ। शेर, परंतु कहाँ? खरगोश, मुझे नाश्ता करना है। शेर, चलो रेस्टोरेंट पर। वेटर, खरगोश से क्या लेकर आऊँ? और शेर के लिए। खरगोश, एक प्लेट सलाद। वेटर, क्या साहब को आज भूख नहीं है? खरगोश, इन्हें भूख होती है तो क्या मैं यहाँ बैठा रहता? अध्यापक, बताओ दुनिया गोल है या चपटी? कमल, दुनिया ना तो गोल है ना चपटी, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते, वे कहते हैं दुनिया 420 है। भिखारी, कुछ पैसे दे दो। माँ जी, बुढ़िया लो यह 1 रुपया ले लो। भिखारी, 1 रुपया लेकर जाने लगा। बुढ़िया, सुनो भीख तो मिल गई, अब थोड़ा आशीर्वाद भी तो दे दो। भिखारी, कार में तो बैठी हो, अब क्या आसमान में बैठना चाहती हो? भिखारी, साहब 50 पैसे दे दो, कुछ खा लूँगा। साहब, शर्म नहीं आती तुझे, सड़क पर खड़े होकर भीख मांगते हो? भिखारी, तो क्या दफ्तर खोल लूँ? अनाथालय से संचालक ने एक सेठ से कहा, सेठ जी आप अनाथालय के लिए क्या सेवा कर सकते हैं? सेठ, श्रीमान से अपने 4 बच्चों को अनाथालय में भेजूंगा। एक चोर तेजी से दौड़ता हुआ गली पर खड़े एक सिपाही से टकरा गया। सिपाही ने उसे डांटते हुए पूछा, कौन है? पहले चोर घबरा गया, फिर भागते हुए बोला, चोर। सिपाही ने उसे भागते हुए देखकर हंसकर कहा, बड़ा पागल आदमी है, पुलिस से मजाक करता है। सास बहू पड़ोस की सुषमा एक नंबर की झूठी है, इसको बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी? बहू, कह रही थी आप बहुत भली औरत हैं। अध्यापक, बताओ कुतुब मीनार कहाँ है? छात्र, जी नहीं मालूम। अध्यापक, बेंच पर खड़े हो जाओ। छात्र खड़े होकर, सर कुतुब मीनार अभी नहीं दिख रहा है। दुकानदार को कोई चीज लेने के लिए भीतर भेजकर ग्राहक रखी नारियल की बोरी में से एक नारियल चोरी से थैले में खिसका लिया और बाहर से पूछा, क्यों सेठ आजकल मिर्च का क्या भाव है? दुकानदार, भीतर से ही, नारियल आजकल 6 रुपये का है,
मिर्च का भाव बाहर आकर बताता हूँ। सामने से बस आ रही थी, एक महिला हाथ का इशारा करके बस रुकवाई। ड्राइवर बोला, बहन जी जल्दी कीजिए, आपको कहाँ जाना है? महिला, जाना तो कहीं नहीं है, जरा सा बस का हॉर्न बजा देना, बच्चा जिद कर रहा है। नवविवाहित दंपति रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। गाड़ी एक लंबी सुरंग से गुजरी। जब सुरंग से बाहर आई तो पति ने कहा, मुझे मालूम था कि सुरंग इतनी लंबी है तो तुम्हारा चुंबन ही ले लेता। पत्नी, तो वह तुम नहीं थे? पत्नी ने आश्चर्य से कहा। एक महाशय की ससुराल गांव में थी। एक बार ससुराल पहुंचे और उन्होंने अपने साले साहब को एक बढ़िया किस्म की इत्र की शीशी भेंट में दी। साले साहब ने इत्र अपने हथेली पर डाला और चाट गए। बहनोई को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने ससुर जी से शिकायत की। इस पर ससुर जी बोले, बड़ा नालायक है, घर में रोटी थी तो रोटी में लगाकर खा लेता। अशोक, मुझे हर युवती अच्छी लगती है, चाहे वह सुंदर हो अथवा आकर्षक। विमल, सुंदर और आकर्षक में क्या अंतर है? अशोक, सुंदर औरती वह है जिसे तुम देखते हो, जबकि आकर्षक युवती वह है जो तुम्हें देखती है। श्याम, मैनेजर साहब आपकी सबसे बड़ी योग्यता क्या है? मैनेजर, मेरी पत्नी श्याम, और आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैनेजर, श्रीमान आपकी पत्नी सबसे बड़ी कमजोरी है। बंटी, कल रात सनी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश, क्या सोचकर छोड़ दिया? बंटी, यही कि वह मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। दो ग्रामीण महिलाएं आपस में बात कर रही थी। एक ने पूछा, अरे यह हस्बैंड क्या होता है? दूसरे बोली, यह एक तरह का बैंड होता है जिसे बेलन से बजाया जाता है। अपने वकील पति से पत्नी ने कहा, ए जी फ्रिज और टीवी कब लीजिएगा? प्रोशन के यह दोनों चीज़ें हैं। वकील, पति ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कुछ दिन और सब्र करो, एक तलाक का मुकदमा हाथ में है, जैसे ही उनका घर उजड़ेगा अपना घर बस जाएगा। गब्बर, मच्छरों को मार दो सांभा। ठीक है। गब्बर, अरे मच्छर फिर भिनभिना रहे हैं। मारे नहीं सांभा, मच्छर तो मार दिए हैं, ये तो उनकी विधवाएं हैं जो विलाप कर रही हैं। मंगू, लगता है मुझसे कर्ज लेकर तुम भूल गए हो। मंगू, नहीं तो अगर भूल जाता तो तुम्हें देखकर मैं भागता क्यों? बॉयफ्रेंड, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर के लोग तुम्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं। गर्लफ्रेंड, तुम्हारे घर में कौन कौन है? बॉयफ्रेंड, एक बीबी और तीन बच्चे। बिल्लू और उसकी बीबी। बिल्ली एक ऑटो में बैठी थे, ड्राइवर ने शीशा एडजस्ट किया। बिल्लू चिल्लाए, साले मेरी बीबी को क्यों देखता है, चल पीछे बैठ, ऑटो मैं चलाऊंगा। स्कूल के आसपास ड्राइव स्लो का बोर्ड हमेशा लगा रहता है, लेकिन लड़कियों के कॉलेज के पास कभी नहीं, क्योंकि वहां तो गाड़ियां अपने आप ही धीमी हो जाती है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने बहुत बहादुरी की जो इस चोर को पकड़ लिया, लेकिन कानून के खिलाफ आपने इसे इतना मारा पीटा क्यों? महिला, जनाब अंधेरे में मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दिया कि यह चोर है। मजिस्ट्रेट, मैडम आपने फिर इस चोर को कैसे पकड़ा? महिला, अंधेरे में मैंने गलती से अपना पति समझ लिया था। केवल
दो प्रकार के आदमी स्त्रियों को नहीं समझ पाते, एक विवाहित और दूसरा कुंवार। प्रेमी प्रेमिका से जब एक दूसरे को विवाह का वचन दे दिया प्रेमिका, परंतु प्रिय मैं एक बात में पहले साफ कर दूं, मुझे खाना पकाना नहीं आता। प्रेमी कोई बात नहीं प्रिय, मैं पहले ये भी साफ किए देती हूँ, मैं कवि हूँ, मेरे घर में पकाने के लिए कुछ है ही नहीं। दोस्तों आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं, अच्छी लगती है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ अपने दो दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।